Hi everyone, I am Priyanka. I just completed my fourth year of BTech at IIT Mandi. So in this video, I will be discussing 5 things that you should know before you start doing engineering. So if you are just about to start your engineering, does not matter ki IIT mein kar rahe ho ya phir kisi aur college mein, because these 5 things are very common to every college. So you should watch this video. Also, if you are in your first or second year of college, you can also watch this video. So let's start. First thing is checking emails. So अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ईमेल स्टार्टिंग में बिल्कुल चेक नहीं करती थी, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें नोटिफिकेशन मिलना होता था कॉलेज वाला, क्लासेस का या वैसा कुछ भी, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाता था. तो ईमेल्स मैं चेक नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि रेलेवेंट नहीं है. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं पता चलती. जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जैसे एक अपॉर्चुनिटी थी WE स्कॉलरशिप, फर्स्ट ईयर गर्ल्स के लिए होती है ये, और ये मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं पता चली, ये ईमेल आया था और मैंने इग्नोर कर दिया. एक और चीज़ है कि तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप वैसा होना चाहिए. मेरा फ्रेंड ग्रुप सब मेरे जैसे ही थे, किसी को टेक्निकल इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था. तो मेरा अगर फ्रेंड ग्रुप ऐसा होता कि जिनको टेक्निकल नॉलेज है या फिर जिनके घर से ऐसा सब बैकग्राउंड है, तो उनको पता होता कि हाँ फर्स्ट ईयर गर्ल्स के लिए ये आने वाला है, तो इनके लिए प्रिपेयर रहो. बट मेरे फ्रेंड ग्रुप में ऐसा कोई नहीं था, तो मेरे को भी पता नहीं चलता था. ईमेल मैं चेक नहीं करती थी, व्हाट्सएप ग्रुप में आया नहीं तो मेरे मिस हो जाता था. तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कॉलेज लाइफ की, जो यू शुड नॉट रिपीट. सेकेंड थिंग इज सीजी. तो मैंने सीजी को बहुत लाइट ले लिया था. मतलब मुझे स्टार्टिंग में किसी ने बोला था कि ब्रांचेज पे फोकस मत करना, मतलब जो ब्रांचेज पे फोकस करते हैं फिर तुम अपने एकेडमिक में ही फंस के रह जाते हो, तुम वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते. तो मैंने उस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और बिल्कुल नहीं पढ़ा कि क्या ही फ़र्क पड़ता है. सीजी तो है लेकिन फ़र्क पड़ता है. अगर पहली बात करें तो प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, दोनों चीज़ों में फ़र्क पड़ता है. तो मान लो कोई कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आई है, उन्होंने कोई ऑनलाइन असेसमेंट कोडिंग टेस्ट कराया है, तो उसमें 100 लोग शॉर्टलिस्ट हो गए, सबका हो गया. उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट करे, उस वहाँ पे एक सीजी फैक्टर आ जाता है कि मान लो 100 लोगों के सारे क्वेश्चन बन गए थे, तो अब वो 100 लोग का इंटरव्यू नहीं ले सकते, उनको मान लो 20 लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो वो कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे? वो सीजी के बेस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे. वो एक डिस्क्लोज नहीं करता है, बट मोस्टली केसेस में होता है कि वो सीजी देखते हैं. और उस टाइम पे तुम इतना रिग्रेट करते हो ना कि यार मेरी सीजी नहीं है, मेरे पास स्किल्स है बट सीजी नहीं है, इसलिए मेरे को कंपनी लेके नहीं जा रही है. तो कितनी रखनी चाहिए? मैं ऐसे नहीं कह रही कि 9.5 प्लस रखो, ऐसा सब नहीं. 8 प्लस इज मोर देन एनफ. 8 प्लस बहुत अच्छी सीजी होती है. तुम्हें अपना टारगेट 8 प्लस रखना ही चाहिए नॉर्मल कॉलेज में. मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे 9 सीजी बहुत इजीली मिल जाती है, मान लो 9 ही एवरेज है सीजी वहाँ पे, तो वहाँ पे तुम 8 प्लस टारगेट थोड़ी रखोगे. तो ऐसे कॉलेज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट तुम्हें वहाँ पता चल जाता है कि हाँ एवरेज इतना होता है, तो उसे थोड़ा ज़्यादा रखना है. तो सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे सीजी मैटर करती है. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, जैसे अगर तुम्हें एमटेक करनी है, तुमने बीटेक अगर आईआईटी से किया और एमटेक करनी है आईआईटी से किसी और आईआईटी से, तो वहाँ पे अगर तुम्हारी 8 प्लस सीजी है तो तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है. और अगर तुम्हें फॉरेन कंट्रीज में भी जाना है अपना हायर स्टडीज करना है, तो वहाँ भी सीजी बहुत मैटर करती है. इसीलिए स्टार्टिंग के ईयर्स में अपना सीजी मेंटेन करना, अच्छा मेंटेन करना, ताकि तुम्हें बाद में बहुत दिक्कत ना आए. थर्ड थिंग इज स्टार्ट अर्ली. मतलब फर्स्ट ईयर में ही तुम ऐसे डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस गोल के टुवर्ड्स जाना है. मतलब तुम्हें सिविल सर्विसेज के टुवर्ड्स जाना है, तुम्हें कोडिंग के टुवर्ड्स जाना है, या टेक्निकल जॉब चाहिए, या तुम्हें कोई स्टार्टअप करना है उसके लिए ट्राई करना है. तो तुम ऐसे माइंड बना के रखो कि क्या करना है. ऐसा नहीं कि तुम थर्ड ईयर में जाके डिसाइड करो, क्योंकि फिर तब ना बहुत प्रेशर होता है हर एक चीज़ का. तो अगर तुम अर्ली डिसाइड कर लोगे, तुम फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लोगे कि हाँ मुझे ये करना है, तुम फर्स्ट और सेकेंड ईयर में उसके टुवर्ड्स स्किल्स डेवलप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मेरा डिसाइडेड ही था कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज नहीं करनी है, मुझे मोस्टली कोडिंग के टुवर्ड्स से जाना था उस टाइम. हाँ मुझे कोडिंग आती नहीं थी, पर मेरे में था कि इससे टुवर्ड्स जाना है. तो मैंने अपने सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में C++ वगैरह स्टार्ट कर दिया था, कोडिंग DSS सब स्टार्ट कर दिया था. एंड थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कंपनीज आती है, और मेरा पहली कंपनी में लग गया था, तो मेरा बहुत चिल गया था. थर्ड ईयर भी चिल गया था, और फोर्थ ईयर में मेरा PPO लग गया था, तो फोर्थ ईयर भी बहुत चिल गया था. फोर्थ थिंग इज नेटवर्क बनाना. और मैं इसमें बहुत बुरी रही हूँ अपने कॉलेज में. नेटवर्क बनाना मतलब सीनियर से बात करना, बैचमेट से बात करना, अपने ग्रुप्स बढ़ाना, सबसे नॉलेज लेना. मतलब मान लो तुम्हारा जो गोल डिसाइडेड है,
तो मान लो तुम्हारा गोल है कि तुम्हें फैंक कंपनीज में अच्छा प्लेसमेंट, अच्छी फैंक कंपनीज में प्लेसमेंट चाहिए, तो तुम उन सीनियर से बात करो कि उन्होंने प्रिपेयर कैसे किया था, उनसे बात करो, उनका प्रिपरेशन जर्नी जानो, और खुद तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को, वो सब तुम जितना इंटरेक्ट करोगे ना उतना तुम्हारा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, तुम जितना नेटवर्क बनाओगे। मान लो अभी तुम्हारा ऑन कैंपस से नहीं हुआ तो तुमने वो नेटवर्क बनाया कि तुमने सीनियर से बात किया तो तुम उनसे बाद में रेफरल ले सको। तो जिनको रेफरल नहीं पता उनके लिए, मान लो एक कंपनी में कोई एम्प्लॉय है तो वो अपने कंपनी वालों को बोलता है कि हाँ मेरी जान पहचान में एक बंदा है जो इस स्किल सेट के लिए सही है, तो तुम इसका इंटरव्यू ले लो। तो अगर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो, जनरली अप्लाई करते हो, तो तुम्हारा एक प्रायोरिटी पे आ जाता है कि हाँ तुम्हारा इंटरव्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज्यादा काम आता है। और इसके अलावा होता है फेस्ट या सोसाइटी में पार्टिसिपेट करो, तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे सोसाइटीज होती है, सोसाइटीज मतलब जैसे डांस सोसाइटी हो गई, म्यूजिक सोसाइटी होगी या एस्ट्रोनॉमी होगी, बहुत सारी होती है सोसाइटीज कॉलेज में, तो उन सबको एक्सप्लोर करो। उन सब में, सब में नहीं मतलब कुछ में पार्टिसिपेट करो। मान लो अगर तुम्हारी 15-20 सोसाइटीज है कॉलेज में तो तुम इतने सारों में तो टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट तुम्हारे गोल के टुवर्ड्स, मान लो अगर मेरे को कोडिंग के टुवर्ड्स जाना था तो मुझे टेक्निकल क्लब्स में जाना चाहिए था, टेक्निकल सोसाइटीज में जाना चाहिए था, वहाँ पे वैसे सीनियर्स होते, तो बहुत बड़े सेट से ना एक हमारा छोटा सेट आ जाता है कि हाँ यहाँ पे हम इंटरेक्ट अच्छे से कर सकते हैं, हमारे पास एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कि हाँ इस क्लब के बारे में बात करने लग जाएंगे। तो सोसाइटीज में जा रहा है तो एक तो हो गया कि करियर टूवर्ड्स, जो जो तुम्हारे करियर टूवर्ड्स है उसमें जा सकते हो, और दूसरा होगा कि कोई हॉबीज या तुम्हें कुछ एक्सप्लोर करना है तो 2-3 क्लब्स वो भी कर सकते हो। और फिर है फेस्ट पार्टिसिपेशन, तो फेस्ट में ना बहुत सारी चीजें होती हैं और जिसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑर्गेनाइज करवाने में, कि तुम्हें फाइनेंस के बारे में सीखना है, तुम्हें देखना है कि हाँ कैसे सब मैनेज हो रहा है इतना बड़ा फेस्ट, तो तुम फाइनेंस के लिए जाओ, पहले वॉलंटियर करो, फिर उसमें देखो। वॉलंटियर में ऐसे मत करो कि जो तुम्हें काम असाइन किया बस वो करो, अपने काम के बाद ना तुम्हारा जो भी मेंटर है उसका, तो उससे जाके पूछो कि वो कैसे मैनेज कर रहा है, उसको क्या क्या काम होते हैं, वो सब देखो। तो कॉलेज में ना फेस्ट के थ्रू तुम बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ऐसी सब चीजें चूज करना जो तुम्हें हेल्प करे, ऐसे रैंडम मत चूज करना जो तुम हेल्प नहीं कर रहे हो या फिर तुम सिर्फ मर्ज के लिए जा रहे हो, तो वो मत करना। तो मेन फोकस तुम्हारा कॉलेज में नेटवर्क बिल्ड पे होना चाहिए, स्किल इंप्रूवमेंट पे होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो 4 साल होते हैं इंजीनियरिंग के वो बहुत सारी चीजें तुम सीख सकते हो, बहुत टाइम, एम्पल ऑफ टाइम होता है तुम्हारे पास, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, तुम्हारे पास सीनियर्स होते हैं, मे बी कोई ना कोई कर रहा होगा, अगर तुम बड़े कॉलेज में हो ना तुम्हें कोई ना कोई कर रहा होगा तो तुम उससे गाइडेंस ले सकते हो। सो या दीज वर द 5 थिंग्स दैट अफेक्टेड माई करियर एज वेल एज कॉलेज लाइफ। सो आई होप यू लाइक इट एंड आई होप इट विल हेल्प यू इन योर कॉलेज जर्नी। सो या दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।